एक फ़ोन की घंटी बजती है और कहा जाता है कि भैया कल आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जो भी करना है वो आज ही कीजिए, वरना कल ना आपके पास बहुमत रहेगी, ना विधायक रहेंगे और ना ही आपकी कुर्सी बचेगी। और उसके बाद जो वो मुख्यमंत्री करता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो ना सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की राजनीति के सबसे काले अध्यायों में से एक बन जाता है, वो लखनऊ गेस्ट हाउस कांड बन जाता है। नमस्कार प्रणाम, मैं एडवोकेट अमित कश्यप, हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश, और आज की कहानी लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की, उस कांड की जिसके बाद से मायावती और मुलायम जीवन भर के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वो कांड जिसके बाद मायावती ने साड़ी पहनना बंद कर दिया, वो कहानी जिसके बाद से आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति सदैव कलंकित ही रही। तो इससे पहले कि मैं आप सबको लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बारे में बताऊं और सीधा आऊं, उसके पहले मुझे आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री देना पड़ेगा ताकि आप उसको ठीक से समझ पाएं। तो 6 दिसंबर 1992 को भारत में एक और काला दिन था। ये वो दिन था जिस दिन बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। और इसके बाद जो राजनीतिक संक्रमण, जो नए गठबंधन और जो संकट देश की एकता में आया, उसके क्या ही कहने थे। एक तरफ कुछ शक्तियां इकट्ठी हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ उनको रोकने के लिए दूसरी शक्तियां भी इकट्ठी हो रही थी, और हर राजनीतिक दल अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें इस्तेमाल करने में लगा था। अलग अलग तरह के गठबंधन हो रहे थे, हर राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाना चाहता था और ये आग में घी डालने का काम कर रहा था। बहुत जल्द मैं बाबरी मस्जिद पे लेकर एक अलग ही स्टोरी लेकर आऊँगा, इनसाइड द स्टोरी। तो और फिर मैं आपको बाबरी मस्जिद के बारे में भी पूरा डिटेल दूंगा कि क्या थी इनसाइड स्टोरी, क्या जजमेंट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इफ थे, क्या बर थे। तो उसके बाद से हर राजनीतिक दल जब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से गठबंधन बना रहे थे, उसी में एक गठबंधन हुआ सपा और बसपा का, क्योंकि बसपा दलित की राजनीति करती थी और सपा यादवों और मुस्लिमों की। और इस बेमेल गठबंधन को बना तो लिया गया और चुनाव में उतार भी दिया गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इलेक्शन हुआ पर किसी को बहुमत नहीं मिला। 100 से कुछ ज़्यादा सीटें सपा को मिले, 67 सीट बीएसपी को मिली, पर गठबंधन पहले से था तो इसलिए अन्य कुछ छोटे मोटे दलों को मिला करके सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेमेल गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है, आइडियोलॉजी ही जब अलग है तो सत्ता का समन्वय कैसे होगा, और इसलिए धीरे धीरे इन दोनों में खटास उत्पन्न हो गई। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी मायावती पे अलग अलग तरह के डोरे डाल रही थी, कभी उन्हें समर्थन तो कभी उनका समर्थन, कभी उन्हें उप मुख्यमंत्री पद तो कभी मुख्यमंत्री पद, और ये 2 साल तक चलता रहा। और फिर मायावती दिल्ली पहुंचती हैं, उनके हाथ में 2 लिफाफे थे, एक जिसमें वो कहती हैं कि मैं सपा से अपना समर्थन वापस लेती हूं, और दूसरे से कहती हैं कि ये वो शपथ पत्र है जिसमें बीजेपी के विधायकों ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में अपना नेता मानकर अपना समर्थन पत्र दिया है। और इसी बीच दिल्ली से एक फ़ोन आता है मुलायम सिंह यादव के पास और कहा जाता है कि भैये कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कल मायावती अपना गठबंधन तोड़ देगी और बीजेपी के साथ सत्ता में पहुंच जाएगी, मुख्यमंत्री की शपथ ले लेगी, इसलिए जो करना है वो आज ही कर लीजिए। इसके बाद से मुलायम सिंह जब अपनी कुर्सी जाते हुए देखते हैं तो उन्हें अजीब सा एक डर महसूस होने लगता है,
और फिर वो शुरू करते हैं बीएसपी को तोड़ने की कवायद। पूरी कवायद के बाद भी रास्ते में बीच में आ रहा था, बार बार आ रहा था एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ वो लॉ होता है जिसके तहत किसी भी पार्टी की अगर 2/3 किसी दूसरे पार्टी में विलय करना चाहे तो ठीक है, लेकिन अगर 2/3 विलय नहीं करती है तो जो भी होगा उसकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी और विधायकी भी। और इसलिए मुलायम सिंह ये कर नहीं पा रहे थे। बहुत प्रयासों के बाद बीएसपी के उस वक्त के एक बहुत ही कद्दावर नेता राज बहादुर के नेतृत्व में 12 विधायकों को तोड़ने में बीएसपी कामयाब हो गई। और इधर मायावती दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद उत्तर प्रदेश आती हैं और मीरा रोड स्थित जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ पे स्वीट 1 और 2 में रुकती हैं। और फिर शुरू होता है वो काला अध्याय। वहाँ पे मायावती अपने सारे विधायकों को इकट्ठा करने लगती हैं क्योंकि कल उन्हें समर्थन खींचना था और कल ही उनको मुख्यमंत्री बनना था। इसकी सूचना उस वक्त के तत्कालीन गवर्नर मोतीलाल वोरा को ऑलरेडी पहले से दे दी गई थी। जैसे ही ये खबर मुलायम सिंह को पता चलती है तो उसके बाद से मुलायम सिंह अपने उन दबंग साथियों को बुलाते हैं, उनका सहयोग लेते हैं जो अपनी गुंडई के लिए पूरे प्रदेश में विख्यात थे। अतीक अहमद और मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल यादव और उस वक्त के चर्चित अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण मिश्रा को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि मायावती के सारे विधायकों को किडनैप कर लो। और फिर एक भीड़ गुंडों का एक भीड़ घुस जाता है सीधा मीरा रोड स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर और फिर होती है मार पिटाई, विधायकों की किडनैपिंग। और सबसे पहले 5 विधायकों को मार पीट कर गाड़ी में डाला जाता है और मुलायम सिंह के सामने लेके आया जाता है और वहाँ वो विधायक अपनी जान के लाले पड़े थे, उन्होंने सादे पन्ने पर दस्तखत किए मुलायम सिंह के समर्थन की। उसके बाद से एक झुंड ऐसा भी आता है जो मायावती के साथ बदतमीजी करने लगता है, उनकी साड़ी खींच देता है, उनकी साड़ी फाड़ देता है, कपड़े फट जाते हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत बीच बचाव से कैसे भी बीएसपी के समर्थक उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं। और वहाँ से फिर एक राजनीति का सबसे गंदा चेहरा सामने आता है। मायावती वहाँ से एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी सबको फ़ोन करती हैं, पुलिस के हर रैंक के अधिकारी को, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आता है। कहा तो ये तक जाता है कि उस वक्त के एसएसपी उस टाइम गेस्ट हाउस के सामने ही मौजूद थे और सिर्फ सिगरेट पे सिगरेट पी रहे थे। इस तरह से सत्ता के संरक्षण में ये राजनीति को कलंकित करने वाला घिनौना कार्य शुरू हो चुका था। इसी बीच गेस्ट हाउस की लाइट्स काट दी गई और अंधेरे में खेल शुरू हो गया। विधायक पीटे जा रहे थे, खींचे जा रहे थे, दबाव बनाया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी, गुंडाई की जा रही थी और मायावती को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। और उस वक्त जहां ये बड़े बड़े लोग, पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी मायावती का साथ देने में असमर्थ थे, सत्ता के संरक्षण में हुए इस कांड के सहभागी बन रहे थे, वहीं न्याय के लिए, अपने ड्यूटी को, कर्तव्य को निभाने के लिए, अपने कर्तव्य को हर चीज़ से ऊपर रखने वाले 2 SHO, एक तरफ जहां एसएसपी साहब सिगरेट पर सिगरेट लगा रहे थे, वहीं हजरतगंज के SHO अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे थे और अपनी जान की बाजी लगाकर मायावती को बचाने में लगे हुए थे, और दूसरा SHO मायावती का अपना बॉडीगार्ड, ये दोनों लोग पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक और इंसान जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा कद और बहुत बड़ा दबंगई अंदाज रखता था, नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी को मायावती अपना भाई मानती थी और उन्हें राखी बांधती थी, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी मायावती को अपनी बहन मानते थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी को जैसे ही एक खबर लगी वो भाग के गेस्ट हाउस पहुंचे। हालांकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भी इस कांड के 1 साल बाद मार दिया गया उन्हीं के अपने फरुखाबाद में, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी की कहानी मैंने पूरी कवर की हुई है, तो अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं राजनीति के ये पहलू।
ब्रह्मदत्त द्विवेदी आते हैं और ब्रह्मदत्त द्विवेदी बहुत ही अच्छा लाठी भांसते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने लाठियों से कितनों को सूत दिया था और पूरी तरह से हर उस इंसान के ऊपर अटैकर बन गए थे जो भी मायावती के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इधर ये खबर मीडिया में भी पहुंची, हालांकि उस वक्त मीडिया इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक जी न्यूज़, एक NDTV और कुछ और चैनल्स थे, इतनी बड़ी मीडिया क्राउड नहीं थी। पर जैसे ही ये खबर मीडिया को पहुंची, मीडिया ने गेस्ट हाउस के सामने आकर अपना कैमरा ऑन कर दिया और सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने लगी। इन दबंगों ने, सपा के दबंगों ने मीडिया के साथ मारपीट करने की कोशिश की, उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन ये हो ना सका और मीडिया डटी रही। यहाँ तक कि मीडिया के कई सारे लोग तो उन गुंडों से भी लड़ते पाए गए जो अंदर घुसने की और मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे ये बात फैलती है, लेकिन वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे बात फैलते फैलते गवर्नर बोरा के पास जाती है। और जैसे ही गवर्नर बोरा को, मोतीलाल बोरा को इस बात का ज्ञान होता है कि क्या होने वाला, उन्हें पहले से पता था कि अगले दिन क्या होने वाला है, फिर वो अपनी पावर को यूज करते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करते हैं और फिर IG, DIG, लखनऊ के DM ये सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर उन दबंगों पर काबू पाया जाता है। और उसके बाद कहा यह जाता है कि मायावती उसके बाद भी अपना दरवाज़ा काफ़ी देर तक खोल नहीं रही थी, कई घंटों तक नहीं खोल रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि ये एक साजिश है, उनको बाहर बुलाया जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। और फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद मायावती बाहर निकलती हैं, उन्हें ब्रह्मदत्त द्विवेदी की आवाज़ सुनाई दी जाती है, उनके और ख़ास लोगों की आवाज़ सुनाई दी जाती है और वो निकलती। और फिर उसके बाद से 3 जून 1995 यानी उस काली रात के अगले दिन मायावती सपा से अपना समर्थन वापस लेती हैं और BJP के साथ सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। और इसके साथ ही मायावती एक और काम करती हैं, वो इस गेस्ट हाउस कांड की जांच के आदेश देती हैं। 3 जून 1995 को ये जांच का आदेश मायावती ने दिया था और आज है 2021। एक मुख्यमंत्री जो 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, एक सत्ता का एक शीर्ष नेता, दलित राजनीति का, देश का सबसे बड़ा चेहरा, उसके ऊपर हुए इस हमले की जांच 1995 से लेकर 2001 तक चल रही है। इन 26 सालों में किसी को भी सजा नहीं हुई। ये है देश में राजनीति। और इसलिए मैं आप सबको पॉलिटिकल किस्से सुनाता हूँ ताकि आप समझें कि क्यों राजनेताओं को सजा नहीं होती। जब मायावती जैसे कद्दावर नेता के ऊपर हुए इस कांड की जिम्मेवार कोई नहीं है, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। और विडंबना देखिए कि वही मायावती जब अखिलेश यादव से अपना गठबंधन करती हैं तो मायावती अखिलेश के कहने पर मुलायम सिंह का नाम उस केस से विड्रॉल कर लेती है। ये भी भारतीय राजनीति का एक सबसे काला चेहरा है। हालांकि उसके बाद सदैव मायावती मीडिया की ऋणी रही हैं, मीडिया को कहती हैं कि अगर मीडिया ना होती तो वो आप उनकी जान ना बची होती। पर फिर भी राजनीति तो राजनीति है। अतीक अहमद बाद में सांसद बने, अरुण मिश्रा कई बार विधायक ही लड़े और आप शिवपाल यादव को तो देख ही रहे हैं जो आज अपनी एक पार्टी बनाकर चला रहे हैं सपा से अलग। पर उस गेस्ट हाउस में कितने लोगों की जिम्मेदारी थी? वो पुलिस अधिकारी जिन्हें मायावती ने फ़ोन किया और उन्होंने उनकी सहायता करने से मना कर दिया, वो SSP जो गेस्ट हाउस के दरवाजे पर सिगरेट के धुएं उड़ा रहा था और अपनी ड्यूटी से बहुत दूर था, वो नेता जो दबंगई करते हुए मायावती के पास घुस गए, वो नेता जिन्होंने मायावती की साड़ी खींची, जिन्होंने उनके कपड़े फाड़े, क्या इसमें किसी कोई गुनहगार नहीं था? किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? ये भारतीय राजनीति का वो काला चेहरा है जो हमेशा और हमेशा काला ही रहेगा। अतीक अहमद, अरुण मिश्रा, शिवपाल यादव ऐसे दबंगों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई उस केस में नहीं हुई। ये है